बेटी पैदा करना बड़ी बड़का गुना हो गया जिंदा है लेकिन मुर्दा लाश बन गया अब बेटी का बेटी हो बेटी एको के को। दूसरा साथ था चल गए गोरा भाव जी के पास उस छलबिदरी के पास जे समीर चौधरी बालो नहीं मानता है लड़की किसी का नहीं हुआ लड़का के हुआ मरवा को ना अपन माए बाप के होले जेल भेजवा के हमको तो लगता है कल के अपने ऊपर बड़ी बर का काज गिरा देगा ऐसे लोगों सावधान रहिएगा तब बढ़िया है आरती छोटू लव स्टोरी कहानी आप लोग जानते होंगे पूरा इंडिया में फेमस था आरती छोटू की लव स्टोरी आज देखिएगा तो आरती के पिताजी माता जी उनके जीजा जी सभी को उम्र कैद की सजा हो गई है गांव से ही उनके शहर से ही मतलब कि उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है उसमें हम बात करने के लिए आज हमारे साथ समीर चौधरी है क्योंकि ये हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं कि इनकी क्या सोच है क्या राय है कैसे है समीर जी देखिए हम तो पहले सबसे पहले तमाम भोजपुरी नमस्कार आदाब सत्याकाल और अभी जैसे कि चला ना अब आरती के परिवार को जैसे कि उम्र कैद हो गए अब वो देखते हुए अब तो यही लग रहा है कि भैया आज के डेट में बेटी पैदा करना बड़ी बड़का बर गुना हो गया वो सब बेचारी बेटी के चक्कर में उम्र कैद माने जिंदा है लेकिन मुर्दा लाश बन गया अब बेटी का भैया बेटी हो बलो बेटी एगो के मरवा को दूसरा साथ मरवा भी था चल गए गोरखपुरिया भाजी के पास वो छलबिदरी के पास जैरा समीर चौधरी एगो बालू नहीं मानता है तो ओकरा पास जाके ये अपना पूरा मेरे चर्चा का खर्चा बढ़चा ये तब ऐसे ऐसे महिलाओं की वजह से और ऐसा ऐसा हत्या होता है देखिए आज छोटू का तो चलिए ऊपर वाला से तो कम से कम देर था अंधेर नहीं हुआ इंसाफ तो बेचारा को मिलवे क्या लेकिन वो घुट रहा होगा उसका आत्मा जो है ना आज भी घुट रहा होगा जब उसके भाई के साथ ही संबंध बनाती होगी ना और जब एक आध गो बच्चा पैदा हो जाएगा वो बेचारा का नरकों में जगह नहीं मिलेगा मन मतलब जिस लड़की से उसने प्यार किया और जिस लड़की को उसके गार्जियन ने जन्म दिया ये लड़की किसी का नहीं हुआ <ना> न वो लड़का के हुआ ओकरो मरवा को न अपन माए बाप के होले ओकरो जेल भेजवा के हमको तो लगता है कल हो अपने ससुरारों वाला सबके ऊपर बड़ी बड़का काज गिरा देगा ऐसे लोगों सावधान रहिएगा तब बढ़िया है अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी लड़की किसी को दिया किसी ना दिया जाए किसी खानदान में जन्मे ना कमेंट बॉक्स में ये भी आ रहा है हमारे हम बहुत सारे कमेंट देख रहे हैं कि ये भी लिख रहे हैं लोग कि जो भी आरती का सपोर्ट कर रहा है ना उनके घर में आरती जैसी बेटी को ही पैदा होना चाहिए क्योंकि क्योंकि उन, एक बेटी ही अपने माँ बाप तो जीजा, पूरे को मतलब रास्ता चलते कुता हजार नहीं। हाथी चलता नहीं। नहीं। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जिस जगह पे आरती रहती है क्या वहाँ के लोग अंधे बह रहे हैं क्या वहाँ के लोग नहीं जानते हैं क्या उससे अगल बगल की जो बहन बेटी बात कर रही है जो चाची मौसी उससे जो बतिया रही है क्या वो एक नारी नहीं है स्वाभिमान औरत नहीं है तो जैसे पहले हमारे समाज में चलता था ना कि कोई अगर दूसरा जात से ब्याह कर लेता है या कोई कुछ करता है तो उसको काला पानी की सजा गांव निकासी का सजा उससे बात नहीं करो ऐसा सजा इसको सजा न देने की जरूरत है कि इसको आप लोग खुद ही निगरान कीजिए एग्लेट कीजिए इसको इससे बातें मत कीजिए हाँ जब देखेगी बगल से जा रही तो इससे घिन मानने का काम कीजिए orpita